वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम है तो क्लासेस जो रेगुलर चल रही है उनको पढ़ते रहिए, आगे का बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है। तो हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे क्या प्रतिरोध जो होता है उसकी पदार्थ के ऊपर क्या निर्भरता होती है, तापमान के ऊपर निर्भरता पढ़ ली थी। पदार्थ के ऊपर निर्भरता हम पढ़ते हैं तो पदार्थ की निर्भरता क्या होती है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा तापमान के ऊपर हमने चालक कुचालक अर्धचालक सब पढ़े थे, उनका एक नोट्स भी प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाना है और चलो उसके बाद पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता कि प्रतिरोध अलग अलग पदार्थों पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है वो आपको ध्यान में लेना है। चलो अगर हम बात करें पदार्थों की तो हम चार अलग अलग पदार्थ ले लेते हैं, धातुएं ले लेते हैं और उन धातुओं पे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिरोध निर्भर करता है। तो लिखना शुरू कीजिए। यदि हम चार अलग 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 धातुएं, कौन कौन सी धातुएं लेनी है, चार अलग अलग धातुएं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जिसको हम AL से लिखते हैं, एल्यूमिनियम सोना यानी गोल्ड गोल्ड एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर सिल्वर और कॉपर लेकर अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि प्रतिरोध का मान हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग मिलता है देखो कल हमने बात करी थी कि धातुओं के अंदर प्रतिरोध होता है, तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालक होते हैं, चालकों के अंदर बढ़ता जाता है। तो इस ये सारी अगर धातुएं हैं तो धातुओं के अंदर ही अलग अलग क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सभी धातुओं के अंदर जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है मतलब संयोजकता अलग अलग होती है, और अगर संयोजकता अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होगा वो करने का तरीका भी अलग अलग होगा और उनको ऊर्जा की आवश्यकता भी डिफरेंट होगी। उसी के कारण इनके प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और प्रतिरोध अगर अलग अलग होते हैं तो इनकी क्या होती है, चालकता भी बदल जाएगी। हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध उपरोक्त धातुओं में सबसे अधिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है जबकि सिल्वर का प्रतिरोध सबसे
सबसे कम पाया जाता है। अतः सिल्वर अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। अब देखिए, आप कहोगे कि सर एल्यूमिनियम कुचालक होता है क्या? नहीं सर, एल्यूमिनियम कुचालक नहीं होता है। इन धातुओं में एल्यूमिनियम में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम प्रतिरोध ज्यादा है। चालकता तो है उसके पास, चालक है वो। तो हम अगर क्रम लिखना चाहें धातुओं में प्रतिरोध का क्रम, धातुओं में प्रतिरोध का क्रम, अगर आप प्रतिरोध का क्रम लिखना चाहोगे तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसमें होता है? एल्यूमिनियम के अंदर होता है। उससे कम प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? गोल्ड में पाया जाता है, सोने में पाया जाता है, जो कि है गोल्ड। उससे कम प्रतिरोध होता है कॉपर के अंदर, किसमें होता है? कॉपर के अंदर होता है। और उससे ही कम प्रतिरोध किसमें होता है? सिल्वर के अंदर होता है। किसमें होता है? सिल्वर के अंदर होता है। यानी एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा, उससे कम गोल्ड, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर। सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए सिल्वर इन सब धातुओं के अंदर क्या है? अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? अति चालक की भांति, यानी इसकी चालकता जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। क्लियर है? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे और अपना कंसेप्ट आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलो, ये सब कुछ था प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में, किस प्रकार से निर्भर करता है। इस पे आप क्वेश्चन वगैरह लगाइएगा, अगर आपको कोई दिक्कत रहती है क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप हमें भेजिए, वीडियो सॉल्यूशन बना करके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बट पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों का संयोजन, पहली बात, प्रतिरोध होता क्या है आपने पढ़ लिया, क्या होता है? तार होता है। कोई सा भी तार जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित होगी वो प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। और प्रतिरोध जरूरी भी है, हर एक चालक या तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध बहुत आवश्यक है। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो विद्युत धारा भी आगे प्रवाहित ज्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रतिरोध बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आप चलते हो, चलते समय घर्षण होता है, अगर घर्षण नहीं होगा तो फिसल के गिर जाओगे, सेम उसी तरीके से प्रतिरोध नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी हमें नहीं मिल पाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला भी होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हम घरों के अंदर क्या लगाते हैं? विद्युत लगाते हैं। घरों में विद्युत के लिए हम बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। और उन सब चलाने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग तारों का कॉम्बिनेशन बना करके लगाया जाता है। स्विच भी लगाना पड़ता है और स्विच के साथ में हमें बल्ब भी लगाना पड़ता है। अलग अलग बैटरियां भी कभी कभार कनेक्ट करनी पड़ती है। इसके लिए क्या होता है? जो तारों का संयोजन है, प्रतिरोधों का एक संयोजन होता है, वो करना बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से किया जाता है? उसके दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। पहला पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे तरीके की बात करूं अगर मैं, तो दूसरा तरीका है समांतर क्रम। कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? क्या दोनों के अंदर अंतर होता है? क्या दोनों का योगदान होता है? वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। जैसा इन दोनों का नाम है वो हमने पहले ले रखा है,
जब हमने एमिटर को संयोजित किया था तो एमिटर को हम श्रेणी में संयोजित करते हैं और वोल्टमीटर को हम किस में संयोजित करते हैं, समांतर में संयोजित करते हैं। और उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि हम जब संयोजन पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि इनका संयोजन क्यों इस तरीके से किया जाता है। बात समझ आई है? तो जब मैं पढ़ा रहा हूंगा बीच में तो बताऊंगा जरूर क्यों इस तरीके से किया जाता है। चलो विद्युत को अलग अलग उपकरणों तक पहुंचाने के लिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जो संयोजन है प्रतिरोधों का वो दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है कितने प्रकार से करेंगे? दो प्रकार से। कौन कौन से हैं दो प्रकार? पहला लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो नाम दोनों का बता रहा है कि किस तरीके का संयोजन होगा। समांतर, का मतलब क्या होता है? एक लाइन ये आप प्रेयर के अंदर लाइन बनाते हो, एक लाइन इधर होती है, दूसरी लाइन आपके पैरेलल होती है यानी समांतर होती है, फिर तीसरी लाइन आपके समांतर होती है यानी एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो कुछ लाइनें बराबर आपकी कुछ डिस्टेंस के बाद लगी होती है, इनको हम बोलते हैं समांतर, एक दूसरे के समांतर है ये, तो समांतर क्रम संयोजन भी कुछ इसी तरीके से होगा। श्रेणी की बात करते हैं तो श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक से एक बढ़ता हुआ, जैसे आप लाइन बनाते हो प्रेयर में तो सबसे आगे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, हाइट बढ़ते हुए आप एक दूसरे के पीछे लगते जाते हैं, वो क्या बनती है? आपकी एक सीरीज बनती है जिसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? तो ये होता है श्रेणी और समांतर क्या होता है। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से। ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत ही, राइट डाउन करो इसको जल्दी से। पहली हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसका कर रहे हैं? प्रतिरोधों का। तो हमें क्या उपयोग में लेने हैं? प्रतिरोध उपयोग में लेने। ध्यान रखना किसका संयोजन कर रहे हैं हम? प्रतिरोधों का। और प्रतिरोधों को किससे दर्शाते हैं? इस तरीके की लाइन होती है, इसी से हम प्रतिरोधों को दर्शाएंगे। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? एक प्रतिरोध लगाया, उसके बाद उसी की श्रेणी में जिस तरीके से ये लगा हुआ है उसी की तरह दूसरा प्रतिरोध लगा दो। तो मान लो एक ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का ये जो सिरा है उसको मैं बोलता हूं ए वन, एक नंबर, इसको बोलते हैं दो नंबर, क्लियर है, इसको बोलते हैं तीन नंबर, और ये हो जाता है चार नंबर। या फिर आप कहो तो इस प्रतिरोध का ये जो सिरा है वो पहला सिरा होगा और ये सिरा जो होगा अंतिम सिरा होगा, यानी
एक सिरा जहां से प्रतिरोध प्रारंभ हो रहा है उसको बोलते हैं प्रारंभिक सिरा, और जहां पे प्रतिरोध खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम अंतिम सिरा। तो इसका प्रारंभिक सिरा ये है, अंतिम सिरा ये है, प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम ये हो गया। जब आपको श्रेणी क्रम संयोजन करना है, दोनों संयोजन में मैं प्रारंभिक अंतिम, प्रारंभिक अंतिम बोलता रहूंगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बना के बता दिया। चलो ये है बिंदु ए। ए बिंदु को अगर मैंने प्रतिरोध का, प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से जोड़ दिया है, तो बिंदु बी पर इस पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा होगा या नहीं होगा? होगा, इसको मैं कोई शक ही नहीं है। लेकिन दूसरा प्रतिरोध इसमें किस तरीके से जोड़ा जाए कि वो श्रेणी बन जाए, तो श्रेणी बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा उठा के लो। श्रेणी का मतलब जैसा ये है उसी क्रम में ये लगेगा, जैसा ये है उसी के क्रम में दूसरा लगेगा, तो इसके क्रम में लगाना है, तो इसका जो प्रारंभिक सिरा है वो वापस यहां लाओ। तो ये दूसरा प्रतिरोध है, उसका पहला सिरा पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जोड़ रहा है, बात समझ आई? और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो आगे बना रहेगा, जिसको हम दूसरा सिरा बिंदु सी बोल देंगे। क्या किया है, पहला प्रतिरोध जिसके दो सिरे हैं, दूसरा प्रतिरोध उसके भी दो सिरे हैं, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। और फिर ऐसे ही मैं अगर तीसरे प्रतिरोध की बात करूं तो ये R1 है, ये R2 है, और तीसरा जो प्रतिरोध होगा उसका भी पहला सिरा दूसरे सिरे से किसके, दूसरे प्रतिरोध के, और इसका दूसरा सिरा आगे जोड़ा जाएगा। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में लिखिए, परिभाषा लिखिए, क्या होती है परिभाषा, ये डायग्राम में बना के रख रहा हूं, देखो ये। इस प्रकार के, इस प्रकार का संयोजन, संयोजन जिसमें जिसमें पहले प्रतिरोध के, जिसमें पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को, अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संयोजन, प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे, देखो पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा
को दूसरे प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध के प्रथम सिरे, के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध के प्रथम सिरे, तो ये हो गया प्रथम सिरा से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा प्राप्त संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है? इस संयोजन में हर प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान, हमेशा समान रहता है। विद्युत धारा का मान हमेशा समान रहता है। ध्यान रखना, जब तक आपके तारों से तार जुड़ते जाएंगे तब तक विद्युत धारा समान चलती जाएगी। अगर आपने तारों का विभाजन कर दिया, मान लो एक ये तार था और यहां से ये तार आगे की तरफ जा रहा है, बीच में से एक दूसरा तार निकाल दिया, तो क्या होगा? विद्युत धारा इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जब तक तार एक ही तरह से चलते जा रहे हैं, आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा क्या रहेगी? समान प्रवाहित होती रहेगी। क्लियर है? तो विद्युत धारा का मान समान रहता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध, पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है क्यों? भिन्न भिन्न होता है क्योंकि ये एक आपका प्रतिरोध है और ये एक आपका प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के सिरे अलग अलग हो गए और विभवांतर का मान होता है दो सिरों के मध्य विभव का अंतर। इस प्रथम सिरे के विभव, दूसरे सिरे के विभव, इन दोनों का जो अंतर होगा वो इसका विभवांतर होगा। लेकिन यहां पर इसका दूसरा सिरा तो वही है, लेकिन यहां पे अगला सिरा जो है वो परिवर्तित हो गया। अगर ये परिवर्तित हो गया तो यहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और अगर विद्युत विभव का मान परिवर्तित हो गया तो इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है? और धारा क्या हो रही है? इसके अंदर जितनी धारा आएगी वो एक ही तार है, तो इसी एक ही तार के अंदर आगे तक चलती जाएगी, तो धारा का मान क्या रहेगा? हमेशा समान चलता जाएगा। चलिए, विभवांतर का मान अलग अलग हो गया। और अगर हम बात करें तुल्य प्रतिरोध की, तो तुल्य प्रतिरोध से मतलब है इस पूरे निकाय का, अगर मैं इसको एक निकाय मान लेता हूं जिसमें सारे के सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, मान लो ये प्रतिरोध है और इनको आप एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दो, तो आपको क्या लगेगा? इस लकड़ी के बक्से में इतनी धारा गई और इतनी बाहर निकल गई, तो उस लकड़ी के बक्से में आप नहीं देख पा रहे हो कितने प्रतिरोध है, तो आपको क्या लगेगा? एक प्रतिरोध होगा। और उस एक प्रतिरोध का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? इन तीनों प्रतिरोधों का एक तुल्य प्रतिरोध, बराबर नहीं बोल रहा हूं मैं, एक तुल्य प्रतिरोध होगा जो तीनों का किसी भी तरीके से योग हो सकता है। वो किस तरीके से होगा वो हम निकालेंगे। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके अंदर आगे की तरफ। चलो, तो हमारा श्रेणी क्रम को दर्शाने का तरीका क्या हो जाएगा? दर्शाने का तरीका ये होगा कि पहला प्रतिरोध इस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ जाएगा, और जो संयोजन मिलेगा वो संयोजन क्या होगा? हमारा श्रेणी क्रम संयोजन
प्राप्त होगा। क्लियर है? अगर मैं इन सब में बोलूं तो यहां पर विद्युत धारा कुछ इस तरीके से चलती जाएगी जो कि I के बराबर होगी। अगर I विद्युत धारा यहां पर है तो I यहां पर हो जाएगी, I यहां पर और I विद्युत धारा हर जगह प्रवाहित होती रहेगी। अगर मैं बात करूं विद्युत विभव की या विद्युत विभवांतर की, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसको हम V1 मानते हैं, इसके सिरों के मध्य विभवांतर होगा उसको हम क्या मानते हैं V2, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर होगा वो क्या होता है V3। ये हमने बात करी थी अभी थ्योरी के अंदर। अब हम निकालते हैं इसके लिए तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आप हेडिंग लगा लीजिए तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या करेंगे, तीन चार बातें हैं वो ध्यान रखना है। पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, किस तरीके से लगाया जाता है। दूसरी बात, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा हर एक प्रतिरोध में समान रहेगी। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा हर एक प्रतिरोध के ऊपर। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। अब जो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पुराना एक बार रिवाइज करें, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।